वहीं छिंदवाड़ा पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि वे शराब से नफरत करती हैं और शराब नीति को लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ जल्द ही चर्चा करने वाली हैं। इसके अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी उमा भारती ने अपने विचार साझा किए। मामले में वीडी शर्मा जी, शिवराज जी और मैं, हम तीनों बिल्कुल एक मत हैं कि जो नई शराब नीति 1 अप्रैल से लागू होगी उसमें मेरे सारे परामर्श शामिल किए जाएंगे और वो नीति शायद जनवरी में घोषित होगी। भी है, देश की 3 लॉबी बहुत खतरनाक है, खा जाना चाहती है देश को। एक शराब लॉबी, एक खनन लॉबी और एक पावर लॉबी, जो नदियों को शोषण कर करके, वनों को काट काट करके जल्दी मंजूरी ले लेते हैं पर्यावरण की। ये तीनों लॉबीज खाना चाहती है देश को, निकल जाना चाहती है। इसमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है और इसलिए मैं एक लाइन इसमें पकड़ गई हूँ। अब उन्होंने एक नई बात कह दी है कि बिहार में जहरीली शराब से मृत्यु हुई, तो क्या मुरैना में नहीं हुई थी जहरीली शराब से मृत्यु? यहाँ तो शराबबंदी नहीं है। क्या प्रतापगढ़ में नहीं हुई थी जहरीली शराब से मृत्यु? वहाँ तो शराबबंदी नहीं है। इसलिए ऐसी स्थितियों में मैं जरूर कुछ बातों पर बहुत मुखर होकर बोल रही हूँ। जैसे मैंने राम मंदिर की आस्था पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया था, मैं शराब से नफरत करती हूँ और मैं गंगा के प्रति श्रद्धा का भाव रखती हूँ। मेरा बस चलेगा तो मैं शराब का नामो निशान मिटा दूंगी, लेकिन चूंकि मुझे ये मानना पड़ा कि एक नियंत्रित वितरण शराब प्रणाली होनी चाहिए और उस पर मैं बहुत आग्रही हूँ, तो इसलिए एक कुछ समय मैंने उसमें अपना लगाया है। आज मैं छिंदवाड़ा से ही, क्योंकि राहुल के बहुत करीबी है मेरे दादा भाई कमलनाथ जी, मुझे राहुल से पूछना कि भारत टूटा हुआ कहाँ, गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो आज मैं छिंदवाड़ा से ही, क्योंकि राहुल के बहुत करीबी है मेरे दादा भाई कमलनाथ जी, मुझे राहुल से पूछना कि भारत टूटा हुआ कहाँ दिख रहा है आपको, ये बता दो। हमें तो जुड़ता हुआ दिख रहा है, 370 हट गई है, भारत तो जुड़ गया, ज्यादा मजबूती से जुड़ गया है। और हम जो पीओ को है उस पर भी हम दावा कर रहे हैं कि वो भी हम इधर लेके आएंगे, तो भारत तो एक ही बार टूटा है जब कांग्रेस ने बंटवारा करवा दिया देश का। तो अगर भारत जोड़ना है तो उस हिस्से को